गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, और यू कैन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। मतलब रिएक्शन अगर गैस फेज में हो रहा हो, मतलब रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी अगर गैस बन रहा है, तो उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा? जो सॉलिड और लिक्विड के केस में, एक्वा सॉल्यूशन के केस में जैसा होता है वैसा ही होगा या थोड़ा अलग रूप का होगा? उसी की चर्चा करने के लिए हम लोग ने एक टिपिकल रिएक्शन कंसीडर किया है कि सपोज करो कि ए नाम का कोई गैस है और आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट होता है बी गैस में और सी गैस में, और स्टोइकोमेट्री देख रहे होंगे, वन मोल ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ बी एंड वन मोल ऑफ सी। तो वन ए का वन मोल जब कन्वर्ट होता है बी और सी में, तो दोनों का वन वन मोल प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने मान लिया कि पी आई इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, तो शुरू में तो केवल ए है, कुछ प्रोडक्ट भी बना नहीं है, तो ये पी आई है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, इसका मतलब बी और सी के पास अभी कोई प्रेशर नहीं है बिकॉज बी और सी का फॉर्मेशन अभी हुआ ही नहीं है जीरो टाइम में। और पी टी मान लो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, थोड़ी देर में क्या होगा, ए गैस पूरा खत्म नहीं होगा एट टाइम टी, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में खत्म हो सकता है, बट हम बीच का ही टाइम ले रहे हैं पी टाइम टी, तो गैस ए थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कुछ डिडक्ट हो जाएगा, कुछ कंज्यूम हो जाएगा या खर्च हो जाएगा, गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ए कुछ खत्म होने के बाद मान लो उसका प्रेशर बढ़ जाता है पी ए, और बी और सी का जो फॉर्मेशन होगा उसका नाम दे दिया मान लो पी बी और पी सी, तो टोटल प्रेशर तो हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी ए पी बी और पी सी, तीनों गैस रहेंगे क्योंकि एक गैस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बी और सी बन गया है, तो उस डब्बे में यानी कंटेनर में तीनों गैसें होंगी, उसका तीनों का जो टोटल सम होगा दैट विल बी पी टोटल एट टाइम टी। अब है कि इस दरमियान में जब जिस जितने समय की हम बात कर रहे हैं टी टाइम का, इतने दरमियान में गैस ए का मान लिया जाए कि प्रेशर एक्स एटमोसफेयर रिड्यूस हो गया, एक्स एटमोसफेयर रिड्यूस होने में मान लिया जाए कि इसका एक चौथाई वन फोर्थ मोल, वन मोल लिया था मान लो 25% मोल, वन बाई फोर मोल इसका कंज्यूम हो गया, तो स्टोइकोमेट्री बताता है वन मोल कंज्यूम हो तो वन मोल बनेगा, 0.25 मोल अगर कंज्यूम हुआ तो 0.25 मोल ही बनेगा, तो जितना इस गैस का जितना मोल कंज्यूम हुआ उतना मोल बनेगा, इसका जितना प्रेशर रिड्यूस हुआ उतना प्रेशर इंक्रीज करेगा, इसका मान लिया कि एक्स एटमोसफेयर डिक्रीज हो गया गैस ए का प्रेशर में, तो बी और सी का उतना ही एटमोसफेयर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। तो एट टाइम टी क्या हुआ, इसका शुरू में लिए थे पी आई, एक्स माइनस हो यानी डिक्रीज हो गया, यानी गैस ए का प्रेशर हो गया पी आई माइनस एक्स, बी जीरो था एक्स इंक्रीज हो गया जीरो प्लस एक्स यानी एक्स, और ए जीरो प्लस एक्स यानी एक्स, तो टाइम टी पर ए का प्रेशर है, गैस ए का प्रेशर जिसका सिंबल है पी ए बट उसका वैल्यू है पी आई माइनस एक्स, बी का प्रेशर पार्शियल प्रेशर है, जबकि मिक्सचर जब किसी कंटेनर में कई गैसें होती हैं तो इच इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है, तो पी बी सिंबल है उसका प्रेशर वैल्यू है एक्स, और पी सी सिंबल है पार्शियल प्रेशर, गैस सी का पार्शियल प्रेशर उसका वैल्यू है एक्स। तो अगर हम टोटल करके देखें पी टोटल, तो तीनों गैस के पार्शियल प्रेशर का जो सिंबल है, इसका पी ए नाम है, इसका पी बी नाम है, इसका पी सी नाम है, जोड़ दिया इसका वैल्यू पुट किया, पी ए का वैल्यू पी आई माइनस एक्स, पी बी का वैल्यू एक्स और पी सी का वैल्यू एक्स, जोड़ दिया तो एक माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, बचा पी आई प्लस एक्स, पी टोटल इक्वल टू पी टोटल का सिंबल पे पी टी लिखते हैं। अब एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, पी टी माइनस पी आई। जब एक्स का वैल्यू निकल गया तब हम लोग एट टाइम टी ए का प्रेशर कितना हो गया पी आई माइनस एक्स, तो पी ए का वैल्यू निकाले पी आई माइनस एक्स, पी आई और एफ माइनस और एक्स का वैल्यू ये वाला जब पुट कर दिए पी टी माइनस पी आई, सॉल्व करोगे माइनस माइनस ये प्लस होगा या माइनस लगेगा, तो पी आई और पी आई टू पी आई और पी टी, तो पी ए का वैल्यू हो गया, मतलब गैस ए का प्रेशर एट टाइम एट एनी टाइम टी, और इनिशियल प्रेशर है पी आई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम लोग के पास इक्वेशन अवेलेबल है, तुम लोगों को ध्यान होगा हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म्स में जब लेते थे के का वैल्यू कल ही चर्चा किए थे 2.303/T और लॉग और इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी होगा। जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में लेते तब हमारा गैस के रूप में है तो प्रेशर लेना पड़ेगा, तो यहाँ जब इनिशियल कंसंट्रेशन लेते थे यहाँ इनिशियल प्रेशर पी आई लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी लेते थे तो प्रेशर एट टाइम टी लेना पड़ेगा, ए का रिएक्टेंट के टर्म्स में होता है, यहाँ आर मतलब रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट के अंदर आता तो यहाँ पी भी मेंशन हो, तो पी आई बाय पी ए, तो के 2.303/T 2.303/T लॉग पी आई, तो पी आई है, पी ए का वैल्यू यहाँ से निकाल दें 2 पी आई माइनस
पीटी। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। लेट अस डिस्कस हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन सिंबल इसका होगा टी वन अपॉन टू, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। द टाइम और द ड्यूरेशन, द टाइम और ड्यूरेशन इन विच, इतने इतना टाइम उसको दे दो रिएक्शन को, इन विच, इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन गेट्स रिड्यूस टू, गेट्स रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स, वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन, ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन, of its initial concentration is for half-life of the reaction. For example, अगर किसी reactant का initial concentration R0 है और इसका reaction शुरू हो गया, अब देखते जाओ घड़ी, देखते जाओ घड़ी, देखते जाओ घड़ी, देखते जाओ, जिस समय इसका concentration R0 by 2 हो गया, मतलब जितना शुरू में था उसका हाफ, हाफ ऑफ दिस वर्क, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन R0 है, और जब उसका कंसंट्रेशन इसका हाफ यानी R0 बाई 2, जितने टाइम इसके लिए जितना टाइम लग जाए, मिनट में लगे, सेकंड में लगे, आवर्स में लगे, दैट पीरियड अगर एक घंटा लग गया तो कहेंगे 1 आवर इज द हाफ लाइफ, अगर 10 घंटा लगा तो बोलेंगे इट्स हाफ लाइफ इज 10 आवर्स। तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ। अब क्या है एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैसे निकालें और उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो रिएक्शन मतलब टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कैसे निकाला जाए, टी हाफ कैसे निकाला जाए। हम लोग कल चर्चा किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन था, हम लोग ने कल देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के वैल्यू आया था R0 माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था। अब क्या है एम टी इज इक्वल टू, जब टाइम टाइम लोगे हाफ लाइफ के बराबर टाइम, टी का वैल्यू जब हाफ लाइफ कर दोगे तो ये जो कंसंट्रेशन आर का जो वैल्यू है वो होता है R0 by 2। और इस दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करें, टी का वैल्यू यहाँ टी हाफ पुट करें और आर के बदले R0 पुट करें, वी गेट putting the value v get k is equal to R0 minus r का वैल्यू हाफ R0, R0 का टू हाफ R0 और t के बदले हो गया टी हाफ, और टी हाफ यहाँ ले आए k को नीचे ले जाए, R0 माइनस हाफ R0 विल बी हाफ R0, हाफ R0 ये डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आ गया k। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन देखोगे, R0 का जितना वैल्यू इंक्रीज करोगे इसका वैल्यू इंक्रीज होगा और इसका k का इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा। इसका मतलब है हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है रेट कॉन्स्टेंट है, तो रेट कॉन्स्टेंट अगर डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे इसका वैल्यू कम होता जाएगा, इसका इंक्रीज करेंगे डिक्रीज होगा इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऊपर में न्यूमरेटर में इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा इसका मतलब टी हाफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम जरा देखें टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
तो हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन है। तब लोग कहीं चर्चा किए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के इक्वल टू, और अभी भी अभी चर्चा किए थे गैस फेज वाले में भी, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर जीरो एंड कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। सब कहता है कि व्हेन टी इक्वल टू, जब टाइम रिएक्शन का टाइम हाफ लाइफ के बराबर होता है, यानी टी का वैल्यू हाफ लाइफ यानी टी हाफ कर दो, तो हम लोग अभी अभी चर्चा किए थे आर का वैल्यू होता है आर जीरो अपॉन टू, और इसको अगर दोनों का वैल्यू पुट करें, टी का वैल्यू पुट करें और इसका आर का वैल्यू पुट करें ये वाला, तो वी गेट आपके इक्वल टू 2.303, टी का वैल्यू टी हाफ, अभी बात यह है कि हम पुट करना है, और इंटू लॉग आर जीरो और डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू आर जीरो बाई टू। टी हाफ को अगर यहाँ ले आए, यहाँ पर टी हाफ को अगर यहाँ ले आए तो हमारा होता है 2.303 बाई के यहाँ, टी हाफ यहाँ। और यहाँ आर जीरो अपन आर जीरो बाई टू ये अगर कट जाए तो 1 अपॉन 1 अपॉन 2 लॉग 2 हो जाएगा, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010 डिवाइडेड बाई के, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 अपॉन के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जब देखोगे तो तुम देख सकते हो इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो रेट कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट होता है। इनिशियल कंसेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना लिए हैं दैट डज नॉट मैटर, मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। अब हम चर्चा कर लें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज अल्टर्ड बाय कंडीशन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ और है, कंडीशन चेंज कर दो और उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस व्हेन वन सब वन रिएक्टेंट इज इन प्रेजेंट इन लार्ज एक्शन, दो सब्सटेंसेस का रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेनी है, तो उस रिएक्शन का जो नॉर्मली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, जब एक्सेस ले लोगे वन ऑफ द रिएक्टेंट को तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब जरा देखते हुए एक एग्जांपल से कि जैसे मान लो कि इथाइल एसिटेट है CH3COOCl5 इथाइल एसिटेट सॉल्यूशन और इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिए एंड ये कन्वर्ट हो गया CH3COOCl एंड देन इथेनॉल। अब क्या है, हमने लिया है इसका 0.01 मोल इनिशियली और वाटर ले लिया है 10 मोल और ये दोनों कभी बना नहीं है इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 दिया है और एट टाइम टी नहीं ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन यदि कंप्लीट हो गया, पूरा रिएक्शन अगर कंप्लीशन हो गया इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये बिल्कुल 0 हो गया, ऑन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये तो 0 हो गया खत्म। तो ये जितना मोल कंज्यूम होगा उतना मोल वाटर होगा 1H2 1 1 स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन टेल्स अस, तो ये हो जाएगा इतना माइनस 10 में इतना 0.01 मोल माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 9.99 मोल, और जितना ये कंज्यूम होगा ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल पड़ रहा है, ये इतना कंज्यूम हो गया ये बन जाएगा 0.01 मोल और 0.01। तो ये तो डेटा हुआ, टेबुलर डेटा। अब हमारा ये कहना है वाटर 10 मोल था 9.99 रह गया, इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ ही नहीं, इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब क्या है इसका जो रेट इक्वेशन, जो इसका है इसका रेट इक्वेशन, द रेट इक्वेशन, द नॉर्मल रेट इक्वेशन, जो इसका रेट इक्वेशन होता होना चाहिए, अब रेट इज इक्वल टू के डैश और इथाइल एसिटेट का कंसंट्रेशन
और वाटर का कंसंट्रेशन। नॉर्मल सिचुएशन में तो यही होगा रेट इक्वेशन यही होगा, इसका कंसंट्रेशन टू दी पावर वन, इसका कंसंट्रेशन टू दी पावर वन। बट सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, जब ये कॉन्स्टेंट हो गया तो इस कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस H2O कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू ये इस कॉन्स्टेंट और इस कॉन्स्टेंट को मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट बना दें, के सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच। आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बिकम ऑर्डर रेट, अगर रेट इक्वेशन इस तरह से का रूप ले लिया तो हम लोग देख सकते हैं इथाइन स्टेट पर पावर वन है, सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स वन, एंड सच रिएक्शंस कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर ऐसे होता नहीं, होता सेकंड ऑर्डर वन प्लस वन, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर इसलिए हुआ कि वाटर को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश की, ऐसा कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया कि लार्ज एक्सेस में वाटर लिया। इसका हम लोग डिफिनेशन जो लिखते हैं वो ये इस प्रकार से लिखते हैं कि द रिएक्शंस, अच्छा यहाँ रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव अब करने लगा जब वाटर लार्ज एक्सेस में लिए, नहीं तो सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा था। तो हम लोग कहेंगे द रिएक्शंस विच सीम्स, मालूम पड़ता है विच सीम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर का मालूम पड़ता है देखने से ही, बट फॉलोज द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अंडर स्पेशल या सर्टेन कंडीशंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको कहते हैं स्टर, स्टर का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एक एग्जाम्पल है इनवर्सन ऑफ कैन शुगर, इनवर्सन ऑफ कैन शुगर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्लस वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर ओनली प्रोवाइडेड वाटर हैज बीन टेकन इन लार्ज एक्सेस, एंड दिस इज इट अनदर एग्जाम्पल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द पोर्शन हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस, एंड सो वी शैल बी डिस्कसिंग द सरफेस केमिस्ट्री नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।